हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित एंड यू आर वाचिंग लर्न एंडलेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा आपको, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सटेंशन क्या होते हैं, हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक्सटेंशन क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हो और आपके मन में भी सवाल है कि हमने एक्सटेंशन तो देखे हैं अलग अलग, लेकिन उनके काम क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्या होती है ये हमें नहीं मालूम, तो इस वीडियो को आज एंड तक देखना और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो एक्सटेंशन होते हैं ना, ये बताते हैं मशीन को, कंप्यूटर को, कि फाइल क्या टाइप की है। बेसिकली अगर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइलें हैं, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई PNG है, और कोई हमारे पास मूवी है, कोई गेम है, कोई प्रोग्रामिंग की फाइल है, तो वो सभी फाइलें अलग अलग टाइप की हैं, ये हमें पता है। लेकिन एक मशीन को हम कैसे बताएं कि कौन सी फाइल किस टाइप की है और वो क्या काम करती है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मशीन को ये चीज़ बताने के लिए कि हमारी फाइल किस टाइप की है और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट या रन करना है, ये समझाने के लिए हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। ये समझाने के लिए एक्सटेंशंस को बनाया गया। देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन हर फाइल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई फ़ोटो है तो उसके लिए JPEG नाम का एक्सटेंशन बनाया गया है, कोई PNG है तो उसके लिए PNG नाम का एक्सटेंशन बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर कोई आपकी प्रोग्रामिंग की फ़ाइल है तो उस प्रोग्रामिंग की फ़ाइल के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम का कोई एक्सटेंशन बनाया गया है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की तो उसका एक्सटेंशन है .c। उसके बाद अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की तो उसका एक्सटेंशन है .js, जावा का .java, पाइथन का .py। तो इस तरीके से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मशीन को, एक कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि वो जिस फाइल को रीड कर रहा है या जिस फाइल को उसे एग्जीक्यूट करना है, उस फाइल को रन करना है, तो वो फाइल वो कैसे रन करे, किस चीज़ में रन करे और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो ये बताने के लिए हमें एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं और हर फाइल का अपना अपना एक अलग अलग एक्सटेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सटेंशन की मदद से ही आपकी मशीन समझ पाती है कि फ़ाइल किस टाइप की है और फाइल को किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है या रन करना है, और वो सभी फाइलों के बीच में डिफरेंस को पता लगा पाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो एक्सटेंशंस के ऊपर। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।